युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए, युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें हर नौजवान अपने रोजगार के अधिकारों के लिए बात करेगा। 50 साल में आज तक इतनी बड़ी त्रासदी युवाओं की कभी नहीं देखी, जिस प्रकार की अभी त्रासदी आई है, लगातार रोजगार खत्म हो रहे हैं, उसके बावजूद जो 10 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पदों को भी भरने का काम सरकार नहीं कर रही है, और लगातार युवाओं की आत्महत्या से लेके अलग अलग माध्यमों से युवाओं के अंदर मानसिक विकृति तक आ रही है। स्पष्ट है सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है, सरकार इस बात को मानने तैयार नहीं कि ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा देश सबसे बड़े नौजवानों का देश है और साथ में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सबसे रोजगार कैसे दिया जाए, रोजगार उत्पन्न होने की जगह खत्म हो रहे हैं और सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत है। इसी के खिलाफ युवा कांग्रेस एक ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस से लगभग 40,000 से ज्यादा वीडियो पोस्ट होंगे, जिसके माध्यम से हम मांग करेंगे कि युवाओं को रोजगार दो, आज दो, अभी दो और जल्द से जल्द रोजगार दो, क्योंकि सबसे बड़ी युवाओं की जरूरत रोजगार की है और सरकार रोजगार खत्म कर रही है, ना कि रोजगार चला रही है। तो यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए युवाओं की आवाज, ये एक कैंपेन 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन चलेगा और सभी नौजवानों से आग्रह, आए मिलकर इस कैंपेन में साथ दे और अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रयास करें।